अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दो तरह की वास्तविकताएं दिखती हैं, मैं और शरीर। तो मैं एक चेतन इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। मेरी आवश्यकता, मेरी क्रिया, मेरा रिस्पॉन्स, शरीर की आवश्यकता, शरीर की क्रिया, शरीर के रिस्पॉन्स से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। फिर हम लोग रिस्पॉन्स को जब अध्ययन दिखाई ध्यान किया तो दिखता है कि मैं में जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये चार तरह की क्रियाएं होती हैं। शरीर में देखें तो सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना होता है। मैं में जो यदि जानना ना हो और सिर्फ मानने की क्रिया है और पहचानना और निर्वाह करना उसके आधार पर हो रहा है तो हम समस्या में होते हैं, और यदि जानना हो जाए तो हम समाधानित होते हैं। तो मानव के लिए अगर ध्यान दें तो पता चलता है कि सारी समस्या इसी बात में है कि हम जाने बगैर कुछ मानकर निर्वाह कर रहे हैं। यदि हम जानकर मानते हैं, यानी इसको स्वीकारते हैं, और फिर उसके आधार पर हम निर्वाह करते हैं तो हमारे जीने में समाधान दिखाई देता है। पहचानना उसमें इनबिल्ट होता है, उसके आधार पर हम पहचानते हैं। तो हम कैसे मानने से आगे बढ़कर जानने तक पहुंच पाए, यही सारा कार्यक्रम है। तो अगर हम सुबह के सत्र में देखें तो हम जानने का काम कर रहे हैं, और जो प्रस्ताव हमें वर्कशॉप में मिला उसको हम स्वयं में जांचने का, जी कर देखने का और अपने आप में सीधे सीधे देखने का काम कर रहे हैं। तो मैं को देखो, यानी अपनी ओर ध्यान दें तो पता चलता है कि मैं चैतन्य इकाई हूँ। मेरी आवश्यकता इस प्रकार की है कि वो निरंतर है, और ये भी दिखाई देता है कि मेरी आवश्यकता जो है सही समझ, सही भाव से पूरी होती है। यानी उससे एक बात समझ में आती है कि चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य की क्रिया से ही पूरी होती है। चैतन्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जड़ की आवश्यकता नहीं है। जड़ एक साधन के रूप में जरूर है, परंतु मेरी आवश्यकता मेरी क्रियाओं से ही पूरी होती है ना। इसको हम लोग जो अभ्यास दो में और अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि शरीर से मुझे सूचना मिलती है, उस सूचना को मैं अर्थ देता हूँ, वो अर्थ देने वाला चैतन्य है। शरीर से सूचना भर मिलता है तो चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से ही पूरी होती है। वैसे ही दिखाई देगा कि शरीर की आवश्यकता सुविधा है जो जड़ है, और वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, और ये भौतिक रासायनिक वस्तुएं भी जड़ है, और जड़ की आवश्यकता जड़ से ही पूरी होती है ना। ये जैसे पहले भी बात हुई, तो जो शरीर की आवश्यकता है वो तीन ही प्रयोजनों से है, या तो शरीर के पोषण के अर्थ में है, या शरीर के संरक्षण के अर्थ में है, या शरीर के सदुपयोग के अर्थ में है। ये तीन ही आवश्यकता है। इस पर हमने थोड़े से असाइनमेंट भी लिए थे कि हम ये देखना शुरू करें कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं वो या तो शरीर के पोषण के अर्थ में है, या शरीर के संरक्षण के अर्थ में है, या शरीर के सदुपयोग के अर्थ में है। अगर इन तीनों में ही कोई प्रयोजन नहीं है तो हो सकता है वो मेरी आवश्यकता ही ना हो। तो इसको अपने आप में भी एक जांच परख की बात है। और यदि हम कोई भी सुविधा घर में लाते हैं उसके पहले निश्चित हो जाना जरूरी है कि ये किस प्रयोजन से आ रहा है, शरीर के पोषण के अर्थ में है, या संरक्षण, या सदुपयोग, यही तीन प्रयोजन हो सकते हैं। एक बार हम इसको अगर फैला कर देख लें कि घर में आज के दिन हमारी जितनी सुविधाएं हैं वो इन्हीं तीन प्रयोजनों से हैं, या इसके अन्यथा है। अगर इसके अन्यथा है तो निष्प्रयोजन है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात को ऑब्जर्व करने से ये भी ध्यान में आएगा कि जड़ की आवश्यकता जड़ से ही पूरी होती है। तो मैं शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ, शरीर के पोषण के लिए मैं सुविधा का चयन करता हूँ, संरक्षण के लिए सुविधा का चयन करता हूँ, सदुपयोग के लिए सुविधा का चयन करता हूँ, परंतु तो अल्टीमेटली जो शरीर की आवश्यकता पूरी होगी वो सुविधा से ही होगी। तो चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होती है, जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होती है। तो अगर अभी की स्थिति का आकलन करें थोड़ा, तो दिखता है कि एक प्रचलित मान्यता सी बन गई है, क्योंकि तो हमने मैं को समझने का काम नहीं किया है, अपनी ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया, और शिक्षा में भी चूंकि वो वस्तु ठीक से प्रस्तावित नहीं हुआ है, तो एक प्रचलित मान्यता बन गई है कि मैं बराबर शरीर, तो मानव को शरीर मान के जी रहे हैं। तो अपनी आवश्यकता जैसे सम्मान, विश्वास, इन सबको हम जो शरीर की आवश्यकता है, सुविधाएं, इससे पूरा करने जाते हैं। अब चूंकि पहले स्टेप पे ही गलती हो गई है,
अपने आप को शरीर मान लिया, तो सम्मान को हमने सुविधाओं से जोड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा गाड़ी आदि से हमने जोड़ लिया। तो होता यह है कि मेरी आवश्यकता को निरंतर बनी हुई है, सम्मान मुझे हर क्षण चाहिए, जो भी हमें सीमित सामयिक सुविधाओं से मिलेगा, क्योंकि जो सुविधाएं होती हैं वो सीमित भी होती हैं सामयिक भी होती हैं, उसमें उसकी निरंतरता नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी सीमा को बढ़ाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इन कपड़ों सम्मान नहीं मिला तो अगले कपड़े सम्मान मिलेगा, इस गाड़ी सम्मान नहीं मिला तो उससे बड़ी जो गाड़ी होगी उससे सम्मान मिलेगा, है ना, आदि आदि बहुत सारी इसमें सुविधाएं जुड़ जाती हैं, जूता कपड़ा है ना, बहुत सारे एक्सेसरीज का हम प्रयोग करते हैं दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। इनफैक्ट सम्मान भी क्या है ये हमें ठीक से समझ में नहीं आता। इसमें देखें तो हम सब ने काफी गति कर ली होगी, ऐसा दिखाई देता है कि एक वर्कशॉप करने के बाद भी लोगों में काफी गति हो जाती है। ये जो हम सुविधाओं के द्वारा दूसरे के ध्यान को खींचकर सम्मान पाना मान लेते थे, है ना, उससे तो हम काफी हद तक निकल पाते हैं, परंतु आप पाएंगे कि अभी भी बहुत सारे मायने में ये फंसावट बनी रहती है। तो ये स्वयं में एक आकलन की वस्तु है, इसको हम ठीक से अपने आप में आकलन करके देखें कि ऐसा तो नहीं कि मैं सुविधा से दूसरों का ध्यान खींचकर उसे ही सम्मान मानकर उसमें ही कार्यक्रम बना रहा हूँ, तो मुझे सुविधा की आवश्यकता कभी स्पष्ट नहीं हुई। अभी मैं देखता हूँ कि आज से 30 साल पहले शायद ही किसी घर में गाड़ी होती थी, और यदि किन्हीं के घर में गाड़ी होती थी कार होती थी तो लोग पता बताते समय कहेंगे कि जिनके घर का कार खड़ी है ना उनका बगल वाला मकान हमारा है। अभी लगभग लगभग हर घर में गाड़ी हो गई है, कार हो गया है, तो सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, परंतु लोग उसकी आवश्यकता तय नहीं कर पा रहे। तो एक कार में हो सकता है कि एक ही व्यक्ति ट्रेवल करता हो, परंतु कार यदि छोटी साइज का है ना, तो उसको फिर मीडियम साइज का लार्ज साइज का ले आते हैं। अभी एक नया प्रचलन हो गया है कि उधार लेना है और बड़ी कार लेनी है ना। इनफैक्ट एक सज्जन जिनके साथ मैं कार पुलिंग करता हूँ, उनकी कार पुरानी हो गई है तो उनको एक नई कार लेनी है, तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उनको सुझाव दिया कि आप ये कार ले सकते हैं, क्योंकि वो डेली ऑफिस भी जाते हैं और लोग साथ पुलिंग भी करते हैं, तो उनकी जो इच्छा है वो करीब 19 लाख की कोई कार आती है वो लेने की है। तो हमने कहा ये आप लेंगे तो आप काफी दबाव में आएंगे। उनका हाँ मगर मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं उधार लूंगा इसके लिए मुझे ईएमआई चुकाना होगा, ईएमआई चुकाने के लिए मुझे ये जॉब तो काम नहीं आएगा, मुझे जॉब बदलना पड़ेगा, अगर जॉब बदलूंगा तो मुझे हो सकता है अभी जो पुलिंग का डायरेक्शन है वो पुलिंग का डायरेक्शन बदलना पड़े, और यदि पुलिंग का डायरेक्शन बदल दूंगा तो फिर ये पूरे ग्रुप के साथ में पुलिंग कर रहा हूँ वो छूट जाएगा, एंड सो ऑन, और वो काफी उलझन में तो अगर हम यही नहीं तय कर पा रहे तो उसके साथ हम इतने उलझन में चले जाते हैं, है ना। तो ये हमें कोई सुविधा की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता क्यों है ना। सभी ने अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, 20-20 लाख वाली गाड़ी लेनी, तो मुझे भी उतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, ये एक मान्यता बन जाती है, और वो लगता है इससे कम में मेरा सम्मान नहीं है कि नहीं। अब अगर हम ऐसा सोचें तो हम एक कुचक्र में फंसने लगते हैं, तो हमको लगता है कि सुविधा की आवश्यकता तो अनंत है और फिर उसके लिए हमको ढेर सारा संग्रह करना है ना। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं। बताते हैं कि जैसे भारत में समाज में एक प्रचलित मान्यता है कि लोग गहना या जेवर इत्यादि को वैल्यूबल मानते हैं, उपयोगी मानते हैं और उसका संग्रह करते हैं, वैसे चीन में लोग मकान को वैसे ही महत्व देते हैं, तो वहां लोग खूब मकान खरीदते हैं। उसी तर्ज पर एक वहां पे बड़े बिल्डर हैं, इन्होंने खूब सारे मकान बना दिए, तब तक मार्केट में रिसेशन आ गया, अब उनके मकान बिक नहीं रहे, उससे रिसेशन और बढ़ गया है ना, एक वो भी एक उसका अपना एक इकोनॉमिक साइकिल है। तो लोगों के पास मकान है बट फिर भी लोग मकान खरीद रहे हैं संग्रह के भाव से। तो चीन में जो अभी आर्थिक समस्या से एक मेजर कारण ये है, ठीक वर्ल्ड ओवर देखें तो इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। तो हम जितना भी सुविधा संग्रह कर लें हमारे अंदर दरिद्रता का भाव बना रहता है। इसीलिए जब वर्कशॉप में भी पहले सेशन में ही बात होती है तो कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र, और सुविधा संपन्न फिर भी दुखी दरिद्र। तो हम सुविधा विहीन से सुविधा संपन्न तो हो जाते हैं, परंतु ये दरिद्रता का जो कॉमन फैक्टर है, दुख का जो कॉमन फैक्टर है, ये बना रहता है। तो साधन अगर पिछले 30 वर्षों में देखें, जब से
लिबरलाइजेशन हुआ है, उदारीकरण हुआ है, साधन तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। जो साधन हमारे घर में नहीं हुआ करते थे, अब वो घरों में एक मिनिमम नीड जैसा हो गया है। परंतु उसके साथ हमने आवश्यकता और ज्यादा मान ली है। जैसे साधन होने के बावजूद हमारे अंदर ये तृप्ति के भाव की आवश्यकता से अधिक है, ये दिखाई नहीं देता। जब ये दिखाई नहीं देता तो समाज को शोषण करने का, संग्रह करने का, उसके लिए बहुत सारा अनैतिक कार्यक्रम करने का एक प्रचलन सा बनता जा रहा है जी। तो अभी हम एक लूप में फंस जाते हैं, हमको लगता है कि सुविधा की आवश्यकता तो असीमित है, ठीक। तो फिर हम अपने अंदर दरिद्र महसूस करते हैं कि आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। तो हम और सुविधा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं, ठीक है ना। फिर और मेहनत करते हैं, फिर हमको लगता है अभी भी पूरा नहीं पड़ा, और एक कुचक्र जैसा हो जाता है। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अपना आकलन ठीक से होना जरूरी है। जो पहले भी बात हुई थी ना, कि हो सकता है हम इस कुचक्र में फंस गए हों, बट हमने उसको किसी रूप में जस्टिफाई भी कर लिया हो कि ये मेरी इच्छा तो नहीं है, परंतु परिवार के लिए मुझे करना होता है ना। हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों अग्रीड हैं, परंतु बच्चों के लिए करना पड़ता है, आदि आदि। तो हमें इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है देश में अभी कई ऐसे परिवार हो जिसमें आवश्यकता से अधिक पहले से ही है, सिर्फ उनको समझ पे काम करना है। और ऐसे अधिक परिवारों को ठीक से ध्यान में आ जाए बातें, तो समाज के उपकार के लिए एक बड़ी टीम पहले से ही तैयार हो सकती है। अभी यहाँ NCR में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो पहले खेत थे वो अब उनकी बिक्री हो रही है, उस पर प्लॉट्स बन रहे हैं, उस पर इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, और ऐसा लगभग सभी शहरों के एक्सपेंशन में हो रहा है। फिर जो नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, स्टेट हाईवेज गुजरते हैं, उसके दोनों तरफ की ज़मीनें बिकती हैं, और वहाँ तो ज़मीन बिकती है, तो लोगों को ढेर सारा मुआवजा मिलता है। तो यहाँ NCR में ये देखने में आया कि जो पहली पीढ़ी थी उसको अगर खूब सारा पैसा एक मुश्त मिला तो उसने उसको बर्बाद कर दिया, अन्यथा प्रयोग करके उसका अपव्यय कर डाला। परंतु अब उसके बाद जो पीढ़ी है उन लोगों ने क्या किया है कि उसके ऊपर हॉस्टल बनवा लिए हैं, बिल्डिंग बनवा ली है, मार्केट बनवा लिए हैं, आदि आदि। तो इससे उनके पास क्या होता है, घर बैठे ही कम से कम 2 लाख 2.5 लाख, है ना, कभी कभी ज्यादा भी 10-15 लाख का भी इनकम घर बैठे हो रहा है, जो उनकी आवश्यकता से बहुत अधिक है। और उनके पास पूरे 24 के 24 घंटे खाली हैं। और ऐसा एक नहीं, ऐसा अगर आप देश भर में जोड़ेंगे तो लाखों परिवार मिलेंगे, ठीक। अगर उनको सिंपली इतनी बात ध्यान में आ जाए कि मुख्य मुद्दा निरंतर सुख का है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, और निरंतर सुख के लिए सही समझ, सही भाव की जरूरत है, और यही हर मानव की आवश्यकता है। और इस तरह से अगर हम देखना शुरू करें और उनको समाज का लक्ष्य समझ में आए, पूरे समाज के उपकार के लिए बड़ी टीम पहले से हमारे देश में तैयार है कि नहीं, जिसके पास आवश्यकता से अधिक सुविधा बहुत पहले से है, तो इस तरह से दिखाई देता है कि अभी परिवारों के पास आवश्यकता से अधिक सुविधाएं हो सकती है। ऐसे बहुत सारे परिवार हो सकते हैं जिसमें उनको सिर्फ सदुपयोग करने की जरूरत है, और मानव लक्ष्य की पहचान के साथ समाज में व्यवस्था के लिए काम करने की जरूरत है। उससे उनका भी उपकार होगा, परिवार में भी समृद्धि का भाव होगा, हर एक के अंदर सुख होगा, और समाज में भी अभय में भागीदार हो पाएंगे, प्रकृति के सहस्तित्व में भागीदार हो पाएंगे। तो ये हम देख लें, है ना। अगर हम अभी अपना आकलन करें तो इस कुचक्र में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उसके में बहुत सारे रीजन्स लग सकते हैं, यहाँ ये रीजन तो है, परंतु यदि बारीकी से आकलन करेंगे तो पता लगेगा कि बहुत सारी आवश्यकताओं को हमने ऐसे ही मान लिया है जो आवश्यकता है ही नहीं। तो आज असाइनमेंट के रूप में ये है कि हम अपने आप इस बात को जांच कर देखें कि क्या हम इस कुचक्र में फंसे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने को शरीर मान लिया है, और इसको फैला कर देखें ठीक से, है ना। आगे की जो योजना है, अभी का जो कार्यक्रम है, या पीछे का जो दुख है अपना, कहीं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं इसी कुचक्र में फंस कर हम ऐसा विचार कर रहे हैं। तो यदि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है तो हम सम्मान को सुविधा से जोड़ कर देखते हैं, और फिर निरंतर आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सुविधाओं की सीमा को असीमित बना लेते हैं, और फिर इस कुचक्र में फंस जाते हैं। इसका मूल्यांकन करना है, इसको लिखना है, ये सब हम लोग अगर आकलन करते चले, लिखते चले, तो अपने लिए काफी एनरिचिंग हो जाएगा। तो इसको रखते हैं असाइनमेंट के रूप में आज।